गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज सेफ्टी रूल्स। सुरक्षा के क्या नियम हैं, बचाव के क्या नियम हैं। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर। एक्सीडेंट्स होती है, दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती है। दे हैपन व्हेन वी एक्ट केयरलेसली। फॉलोइंग सेफ्टी रूल शुड बी फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। दुर्घटनाओं से बचने के लिए हादसों निष्पन्न खतरा पसंद है सुरक्षा हैं जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बहुत ही सावधानी से हमें गाड़ी वगैरह चलानी चाहिए। घर पे भी जो भी काम हम करते हैं किचन वगैरह में, उनको करते समय बहुत ही एहतियात हमें रखना चाहिए ताकि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो। सेफ्टी ऑन रोड, सड़क पर चलते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। टू कीप सेफ ऑन रोड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ जो बनाया होता है पैदल चलने वालों के लिए, उस पर चलना चाहिए हमेशा, सदा, ऑलवेज होता है हमेशा। नेवर प्ले और रन ऑन द रोड। रोड गाड़ियों के आवाजाही तथा चलने के लिए होता है, वो खेलने की जगह नहीं है, दौड़ने की जगह नहीं है। वहाँ बहुत ही आराम से हमें सावधानी से गाड़ियों को देखकर चलना होता है। वहाँ हमें कभी खेलना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग और यूज द सबवेज। हमें जो रोड है जेब्रा क्रॉसिंग पर ही करना चाहिए क्रॉस, या सबवेज जो कि बनाए गए होते हैं क्रॉस करने के लिए, उस पर भी हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि रोड साफ है कि नहीं, तब जाके हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। तेम साथ पते सड़क क्रॉस करें एम साथ सो योर और योर गर्ड ऐसा पकान की बेग ऐसा हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क क्रॉस करें। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स एंड क्रॉस ओनली वेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज ग्रीन। हमें ट्रैफिक लाइट्स जिम बना मुझे रेड येलो ग्रीन तिमन पैदे फॉलो करें तिम वुशित पैदे रोड क्रॉस करें बे आई एम साथ क्रॉस करने विज गेस ग्रीन लाइट आसनी। पेडेस्ट्रियन होता है पैदल चलने वाले। वेट इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर गए धक्का मुक्की करें कि तत् पैदे क्यू होता है एक कतार में खड़े रह के बस में उतरना चढ़ना या चढ़ने के वक्त बहुत ही ऐसे आता कि हमें धक्का ना लग जाए। धक्का लगेगा तो हम गिर सकते हैं, वहां भी हमें इंजरी हो सकती है। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग बस। चलती हुई बस से हमें नहीं उतरना चाहिए ना उसमें चढ़ना चाहिए। जब बस रुके आराम से बहुत ही मतलब ध्यान पूर्वक हमें बस में चढ़ना चाहिए, उसे उतरना चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ द मूविंग बस। मूविंग बस के बाहर सिर हमें नहीं निकालना चाहिए, हाथ नहीं निकलना, क्योंकि पैत के ऐसा गर्ड में ऐसा लगता है मुक्टा करता गोते में साथ एक्सीडेंट। डू नॉट स्टैंड ऑन द फुट बोर्ड वाइल ट्रेवलिंग इन ए बस। बस पे हमें फुट जो जहाँ जहाँ से चढ़ते हैं हम, फुट रखने की जगह जो होती है वहाँ पे स्टैंड नहीं करना चाहिए, उसमें से भी हमें लग वगैरह सकती है, इंजरी हो सकती है। कभी कभी इंजरी बहुत गहरी भी हो सकती है, सीरियस इंजरीज हो सकती है। सेफ्टी एट होम। होम होता है घर पे, किस चीज़ का किस चीज़ से हमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे हमारे घर पे जैसे ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स होते हैं, नाइव्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, ये हमारे काम की चीज़ें हैं, लेकिन हमें इनके साथ खेलना नहीं चाहिए, खेलने की चीज़ नहीं होती है। नाइव से हम सब्जियां काटते हैं, ब्लेड शेविंग वगैरह में यूज होते हैं, सीजर्स कपड़े में या हमें बुक कवर करने में चाहिए होती है, कुछ काटने में कैंची का यूज होता है, गिन्निक ऑब्जेक्ट की। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स नाइव्स एंड सीजर्स। डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स विद वेट हैंड्स। वैसे बच्चों को तो सॉकेट्स वायर से बहुत ही दूर रहना चाहिए, उनको टच ही नहीं करना चाहिए। और बड़ों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके हाथ गीले ना हो, उनके साथ काम करते हुए बहुत ही इलेक्ट्रिक चीजों के साथ काम करते हुए बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। डू नॉट जम्प ऑन द फर्नीचर और रन ऑन द स्टेयर्स। फर्नीचर से हमें जैसे टेबल से जंपिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, स्टेयर्स चढ़ते समय हमें दौड़ना नहीं चाहिए। डू स्टेयर्स होती है सीढ़ियाँ। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग एन एडल्ट। बच्चों को खास ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर से पूछे बिना या बड़ों की निगरानी के बिना कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। कभी ओवरडोज या गलत मेडिसिन की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है या उससे भी ज्यादा हानि पहुंच सकती है। आफ्टर यूज कीप द बुक्स एंड टॉयज एट प्रॉपर प्लेसेस। यूज करने के बाद, उपयोग में लाने के बाद जो हमारी किताबें हैं और टॉयज हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए। टॉय का कभी छोटी टॉय अगर पाँव में लग जाए, प्लास्टिक वगैरह चुभ जाए तो उससे भी लग सकती है।
चिल्ड्रन मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द वेरियस रीजंस दैट कैन कॉज एक्सीडेंट्स एंड द वेज विच दे कैन बी अवॉइडेड। बच्चों को खास समय बताना चाहिए कि सड़क पे मत निकलो, किचन में गैस के साथ मत छेड़ो, ताकि वो उनको पता चले कि एक्सीडेंट्स किससे होते और उनको कैसे हम अवॉइड कर सकते, उनसे कैसे बच सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट एड कैन बी डिस्कस्ड। फर्स्ट एड बॉक्स होता है, छोटी इंजरी जब हमें घर वगैरह पे, तो उसके लिए फर्स्ट एड हमें घर पे ही तैयार रखना चाहिए। दे कैन बी टेकन टू रोड, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट। जो हमारे घर, आपके घर पे, हमारे घर पे छोटे बच्चे, हमें उनको कभी रोड पे ले जाके ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताना चाहिए, क्रॉसिंग और ब्रिज एंड सबवेज के बारे में उनको समझाना चाहिए। तो बच्चों ये था सेफ्टी के नियम, सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए रोड पे, रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए हमें, रोड क्रॉस करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, विजिलेंट होके हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। जब रोड साफ हो दाएं बाएं देखकर, तब जाके हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जेब्रा क्रॉसिंग पर ही हम रोड क्रॉस करें। सेफ्टी एट होम पे हमने आपको बताया कि जो घर पे हमारे पास शार्प ऑब्जेक्ट्स है जो यूजफुल होती है हमें, बट वो प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, जैसे ब्लेड्स, नाइव्स है, को भी दवाई के साथ नहीं छेड़ना चाहिए बच्चों को। बड़ों को भी दवाई लेते समय थोड़ा होशियार होना चाहिए कि ओवरडोज ना ले रहे हो वो। फर्नीचर के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए, टॉयज वगैरह को यूज करके प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए। बच्चों को बार बार समझाना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है, गैस स्विच वगैरह होते हैं, ये खेलने की चीज़ नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानकारी, और कभी कभी हमें प्रैक्टिकली उन बाहर लेकर रोड पर ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट भी उनको बता सकते हैं ज्ञान। तो ये था बच्चों सेफ्टी रूल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।